इसी हिसाब से अगर हमको वही आइटम छोटा बनाने का, माइक्रो लेवल का बनाने का है, मैक्रो लेवल का बनाने का है, ओरिजिनल साइज का बनाने का है, रेगुलर यूज के लिए बनाने का है, तब हो सकता है कि मटेरियल का सिलेक्शन सेम मटेरियल के लिए, सेम कंपोनेंट के लिए जो अलग अलग साइज का है, अलग अलग हो सकता है मटेरियल का सिलेक्शन, अलग अलग प्रोसेस हो सकती है उनको बनाने के लिए। डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मटेरियल सिलेक्ट किया है, क्या शेप बनाने की है, क्या डायमेंशन देने की है, तब हम प्रोसेस सिलेक्शन करते हैं, मशीन सिलेक्शन करते हैं उसको बनाने के लिए कि इंडिविजुअल आइटम कैसे बनेगा। उनकी जॉइनिंग की, डिफरेंट कंपोनेंट्स के जॉइनिंग की भी टेक्निक अलग अलग हो सकती है। किसी में एडिसिव लगाएंगे, किसी में नट बोल्ट लगाएंगे, किसी में क्लैंप लगाएंगे, किसी में कुछ और सिस्टम लगाएंगे। दो कंपोनेंट को जोड़ने का, तीन को जोड़ने का अलग अलग पैटर्न या अलग अलग बिहेवियर भी हो सकता है, हमको ये ध्यान में देने का है। ये अलग अलग भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का डिजाइन डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है, साइज के हिसाब से वेट, वेट उसके मटेरियल के हिसाब से होगा, और तब हम बता पाएंगे कि ये मटेरियल कैसे बनेगा। इनकी असेंबली नट बोल्ट से है, वेल्डिंग से है, कंप्रेशन से है, एडहेसिव से है, या कपलिंग करके है, किस तरीके से है, ये भी हमको डिजाइन में ध्यान में रखना पड़ता है। दसियों तरीके से हम दो कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। सवाल वही आता है कि असेंबली के टाइम पर हमारे पास में स्पेस कितना अवेलेबल है और उसके अंदर क्लियरेंस कितना अवेलेबल है। क्लियरेंस, क्योंकि आपने देखा होगा कई तरीके के स्क्रू हेड होते हैं, स्क्रू के टेपर में रहेगा, स्क्वायर रहेगा, शेप में रहेगा, इनबिल्ट रहेगा, अंदर रहेगा, वॉशर उसके साथ में इनबिल्ट है या वॉशर अलग से उसमें अटैच किया हुआ है। ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? ये सब चीजें कहलाती हैं कि स्पेस अवेलेबल कितना है असेंबली के लिए और क्लियरेंस अवेलेबल कितना है, तभी हम असेंबली को जो है डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस लिमिटेशन है तो हमको असेंबली का तरीका बदलना पड़ेगा, कंपोनेंट का तरीका बनाने का तरीका बदलना पड़ेगा। नट और बोल्ट के साथ में, नट के साथ में वॉशर को एक साथ इनबिल्ट कर दिया, इंटीग्रल पार्ट बना दिया उसको, हेड जो है ऊपर के नहीं रखे, अंदर वाला एलन की वाला बना दिया, क्योंकि स्पेस अवेलेबल नहीं है कि सर्टेन हाइट तक उसकी डी के बराबर इतना और प्रोजेक्शन बाहर निकाला जा सके। तो असेंबली के टाइम पर असेंबली हॉरिजॉन्टल वे में करने की है, असेंबली वर्टिकल मैनर के अंदर करनी है, ये भी वेट ऑफ द कंपोनेंट और क्लियरेंस ऑफ द कंपोनेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि असेंबली हम कैसे कर पाए। असेंबली एक बहुत ही टिपिकल वर्ड है, हमको बड़ा आसान लगता है, कहां पर लेफ्ट हैंड से स्क्रू लगेगा, कहां पर राइट हैंड स्क्रू लगेगा, कहां पर सर क्लिप लगेगी, कहां पर ऑर्डिनरी वॉशर लगेगा, कहां पर ऑयल रिंग लगेगी, कहां पर कोई और दूसरी रिंग लगेगी या पैकिंग लगेगी, ये सब असेंबली के पार्ट बन जाते हैं। कि हमको लीक प्रूफ बनाने का है, प्रेशर कंपोनेंट है, प्रेशर पार्टिकल है, तब उसमें लीक प्रूफ होना चाहिए। अब 10 kg का प्रेशर है, 100 का है या 500 का है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस कंपोनेंट की टॉलरेंस क्या है, फिटनेस कैसी है, फिटिंग कैसी है, क्लियरेंस फिट है, ट्रांजिट फिट है, इंटरफेस फिट है, कौन से टाइप की फिटिंग वहां पर हमको प्रोवाइड की हुई है। तो कंपोनेंट, मशीन कंपोनेंट डिजाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब एक पेचीदा मामला है, एक टिपिकल चीज है। इंडिविजुअल आइटम को अटैच करने का है, इसको इंटीग्रल पार्ट बनाने का है, दो पार्ट को एक साथ बनाने का है, दो पार्ट को डिटैच करके बनाने का है, फिर बाद में जोड़ने का है। बहुत सी असेंबली एट साइट होती है, हाइड्रो कंपोनेंट जितने बनते हैं उनके 50% से ज्यादा असेंबली साइट के ऊपर होती है। तब दोनों एंड से 6-6 inch का पीस जो है पाइप का या असेंबली का एक्स्ट्रा बना के भेजना पड़ता है, ताकि अलाइनमेंट के अंदर प्रॉब्लम होगी तो काट के उसको एडजस्ट करेगा। वहां पर नया कंपोनेंट नहीं बन सकता है, तो भले ही वो 1-2 foot पीस हमको काट के बाहर फेंकना पड़ रहा है अलाइनमेंट के लिए, बाद में वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एक्चुअल डायमेंशन कितना रहेगा, असेंबली कहां पर होगी, असेंबली एट साइट और असेंबली एट द फैक्ट्री,
उसके हिसाब से भी कंपोनेंट को हम डिजाइन करते हैं। वहां पर क्लैंपिंग होगी, वहां पर बोल्टिंग होगी, वहां पर वेल्डिंग होगी, वहां पर एडहेसिव से कहीं आ जाएगा, तो वो सब पार्ट्स भी हमको साथ साथ बनाने पड़ते हैं, साथ साथ भेजने पड़ते हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। कंपोनेंट डिजाइन का मतलब, कोई पूछे कि मशीन कंपोनेंट किसको कहते हैं, तब हमको ये पूछना पड़ता है कि उनकी असेंबली क्या है। इंडिविजुअल आइटम है, किसी और पार्ट के साथ जुड़ रहा है, इंटीग्रल पार्ट है, असेंबली एट साइट है, असेंबली एट शॉप है, असेंबली एट वर्क्स है, कहां पर है इसकी असेंबली। फिर ये असेंबली जो आ रही है, अगर मेन असेंबली है तो सब कंपोनेंट्स के वेट को वो जो बियर करेगी, तो उसका खुद की थिकनेस, उसके खुद के मटेरियल की स्ट्रेंथ, वो हमको ज्यादा रखनी पड़ती है। कोई लोड नहीं आ रहा है उसके ऊपर हैंगिंग का, कोई सा भी लूज मटेरियल, कोई सा भी चीपर मटेरियल हम उसमें यूज कर सकते हैं, मगर बट इफ दैट असेंबली इज कैरिंग और होल्डिंग 10 मोर कंपोनेंट्स विद हिम विद इट,